हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान व्लॉग। दोस्तों आज गेम हो रहा है, क्वार्टर फाइनल का हो रहा है और समीर नीचे से लड़ा रहे हैं आलमबाग के और कैसर बाग सिंह का मैच हो रहा है। ये हमारे अजमी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है और सब बढ़िया? काफ़ी दिनों बाद आए आप। चलिए बढ़िया गेम लड़ाते हो। अजमी भाई क्या स्कोर है आपका? 5-3 का। 5 काट दिए? 5 काट दिए, बढ़िया स्कोर चल रहा है। सभी तेजी से उठा रखा ऊपर वाले ने, कैसा बात है? अंदर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे, काफी तेजी से चलते हुए समीर बाहर निकाला, फिर अंदर की तरफ लेके गए। कैसा बात घेर के रखने करने की तरफ दबा रहे हैं। कैसा बात दबाते गए काफी नीचे करा ले, समीर ने तीसरे खींचते गए और ये तेज कट गए समीर। और दोस्तों ऊपर से हमारे सलीम भाई लड़ा रहे थे और स्कोर हो गया है 5-4 का। आलमबाग ने 5 काटे हैं कैसरबाग को। आरिफ भाई आज ये बताइए कौन कौन से मैच हो रहे हैं, किसके किसके हो रहे हैं आज? इंटरनेशनल और आपका न्यू लाइंस का हो रहा है जी, और एक क्वार्टर फाइनल हो रहा है हमारा आलमबाग और कैसरबाग का जी, और एक कमेटी और स्टार विंड हो रहा है, और एक मैच हमारा नजरबाग और आपका राजाजीपुरम से हो रहा है। चलिए एक बार फिर से हमारे आलमबाग का पेश आता हुआ सोडी भाई लड़ा रहे हैं नीचे से। ये सही हो चुका दोस्तों, काफी तेजी से अंदर की तरफ, काफी तेजी से अंदर की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। पटकर आया सोडी भाई ने, चक्रों पर लगा तेजी से पड़ खींचा तंग रुकी, अंदर की तरफ मुंडे पे फिर से लेकर के आए बाहर की तरफ निकालते हुए कैसरबाग। ये देखिए पतंग है सोडी भाई की, देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड से वाली सोडी बाहर की निकाला तेजी से कट गई, काफी बढ़िया पेश कर दिया कैसरबाग ने। स्कोर हो गया 5-5 का। दोस्तों देखिए एक बार फिर से हमारे भाई का पेश आता हुआ ये, और कमेटी लड़ा रही है पेच। ये देखिए मुद्दा बनाया तेजी से, निकलता हुआ बनाया बाहर की तरफ तेजी से खींचते गए और ये पेच कट गए कमेटी। दोस्तों 6-3 का स्कोर हो गया, कमेटी ने 6 काट दिए न्यू लाइंस को। ये हमारे नजरबाग और इनका मैच हो रहा है राजाजीपुरम से। कल्लू भाई क्या स्कोर है बताइए? 5-4 का। दोस्तों 5-4 का स्कोर है और नजरबाग ने 5 काट दिए राजाजीपुरम को। और दोस्तों ऊपर से सलीम भाई पतंग लड़ा रहे हैं, काफी बढ़िया पेश लड़ा रहे हैं, कंटिन्यू उन्होंने 2 पतंग काट दिए हमारे आलमबाग का टीम को। दोस्तों ये देखिए नीचे से हमारे लड़ा रहे हैं अजमी भाई। दोस्तों ये देखिए अजमी भाई की राइट हैंड साइड वाली पतंग है, अंदर लेकर के आएंगे, देखिए अंदर लेकर के चले। ऊपर से सलीम भाई पतंग लड़ा रहे हैं, ये पेस सही नहीं हुआ, ऊपर वाला एक मुड्ढा रखेगा पेस सही हो जाएगा, और पे देखिए पेस सही होने वाला है और पेस सही हो चुका। देखिए उतरे कैसरबाग तेजी से बनाते हैं, आज मैं अंदर के मुड्ढे पे छोड़ते हुए आ रहे तेजी से, झटके मारे कैसरबाग ने और ये बढ़िया पेश काट दिया कैसरबाग ने। 6-5 का स्कोर हो गया, 6 कट गए हैं आलमबाग। दोस्तों एक बार देखिए फिर से राजाजीपुरम, देखिए नीचे से लड़ा रहे हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं नजरबाग, और नजरबाग के शावेज भाई लड़ा रहे हैं ऊपर से। दोस्तों देखिए शावेज भाई खड़े हैं ऊपर से और नीचे से ये भाई लड़ा रहे हैं, लकी भाई चरखी पकड़े हुए। और दोस्तों ये देखिए पतंग है लेफ्ट हैंड साइड वाली, देखिए शावेज की है नजरबाग की, और राइट हैंड साइड वाली देखिए राजाजीपुरम के अंदर के मुड्ढे पे लेकर के आ रहे हैं तेजी से।
शाफिन से बनाया उतरता हुआ चक्करों पे लेकर के, एक बार देखिए वही मुड्ढा लेकर के चले तेजी से बाहर के खींचा, और ये राजा जी बुरम कट गया, बाहर के मुड्ढे भी तेजी से खींचा था और नजरबाग ने बढ़िया पेच काटा। और दोस्तों ये देखिए इंटरनेशनल का पेच आता हुआ और मोहित भाई लड़ा रहे हैं नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड वाली देखिए मोहित भाई की पतंग है और पेच सही हो चुका है। काफी तिरछा करा रहे हैं मोहित भाई, अभी तक की बहुत बढ़िया पेच लड़ा रहे हैं मोहित भाई। पटकराया मोहित भाई ने, देखिए ये देखिए चक्करों पे रखा मोहित भाई ने झटके मारते हुए, मोहित भाई चक्करों पे पतंग रख ली चुस्के देते हुए, पेच सही है अभी भी। चुस्की देते हुए दोनों खिलाड़ी और ये मोहित भाई कट गए, काफी बढ़िया चुस्की देते हुए बढ़िया पेच काट दिया। और ये न्यू लेंस ने पतंग काटी थी दोस्तों, मोहित भाई को संजय भाई ने काटा था और स्कोर है 5-3 का, 5 कट गए हैं न्यू लाइंस इंटरनेशनल से। दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से हमारे सोडी भाई का पेच आता हुआ और सोडी भाई नीचे से लड़ा रहे हैं, चलिए हम पेच पे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है सोडी भाई की है और राइट हैंड साइड वाली देखिए कैसर बाग की है और पेच सही है। अंदर के मुट्ठी पे चलते हुए आए सोडी भाई, काफी उतार के लिए हैं कैसर बाग, ये देखिए पतंग काफी उतार लाए हाथ पे रखा कैसर बाग ने, तेजी से बनाते गए तेजी गद्दा बनाया चक्करों पे रखा, अंदर की पतंग दिखाया तेजी से सोडी भाई ने बाहर की तरफ खींचा झटके, बाहर की तरफ निकाला सोडी भाई ने, अंदर की तरफ लेके गए सीधी की पतंग सोडी भाई ने, पेच सही है अभी भी। अंदर के मुड्ढे पे चलते हुए आ रहे हैं कैसर बाग, तेजी से उतरे बाहर की तरफ निकाला सोडी भाई ने, ये देखिए काफी उतार लाए हैं कैसर बाग हाथ पे आलम बाग के, ये देखिए सोडी भाई ने तिरछा कराया थोड़ा सा बाहर निकालते हुए तेजी से खींचा, वे कैंसिल नहीं हुआ देखिए फिर पट करके लाए, दोस्तों ये देखिए आलम बाग की लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है और राइट हैंड साइड वाली देखिए उतार कर काफी ली आए कैसर बाग, ये देखिए काफी उतारते हुए हाथ की तरफ, तेजी से बनाया कैसर बाग ने, कल तो बाहर का खींचा झटके मारे और ये बढ़िया पेच काट दिया सोडी भाई ने और स्कोर हो गया है 6-6 का। दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से हमारे भाई का पेच आता हुआ, समीर भाई लड़ा रहे हैं नजरबाग काइट क्लब और ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे राजाजीपुरम काइट क्लब, और दोस्तों ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे फैजी भाई। दोस्तों ये देखिए पतंग है नजरबाग की लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली हमारी राजाजीपुरम की, पेच सही है। दोस्तों अंदर के मुड्ढे पे चलाते हुए पतंग समीर भाई हमारे राइट हैंड साइड वाली, राजेपुर में बनाया चक्करों पे लेकर के बाहर की तरफ खींचा, एक बार देखिए फिर से खींचा तेजी से खींचा चक्करों पे लेकर अंदर की तरफ दिखाया और ये बढ़िया पेच काट दिया समीर ने, टाइमिंग का खेल और बढ़िया टाइमिंग से अंदर की पतंग दिखाया सीधे मुट्ठे पे, बढ़िया पेच काटा हमारे समीर भाई ने। और दोस्तों स्कोर हो गया 7-4 का, 7 काट दिए नजर बाग ने। दोस्तों देखिए एक बार न्यू लाइंस का पेच आता हुआ इंटरनेशनल से और ये अंकल लड़ा रहे हैं हमारे
और ऊपर से मोहित भाई लड़ा रहे हैं जो कि उधर खड़े हुए हैं। देखिए वो खड़े हुए हैं मोहित भाई हमारे। देखिए न्यू लाइन्स अंदर के मुठ्ठे पे लेकर के आ रहे हैं, नीचे से लड़ा रहे हैं। देखिए मोहित भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग लेकर आए और अंदर से न्यू लाइन्स भी लेकर के आए नीचे वाली पतंग, राइट हैंड साइड वाली पतंग। देखिए मोहित भाई ने तेज़ी से रखा, बनाते गए भी सही हो गया, बाहर की तरफ निकाला मोहित भाई ने तेज़ी से न्यू लाइन्स ने खींचा बाहर के मुठ्ठे पे और देखिए डबल करने की कोशिश पट किया न्यू लाइन्स ने और बढ़िया पेच काट दिया मोहित भाई ने, डबल कराने की कोशिश और डोर आ चुकी थी और काफ़ी बढ़िया समय पे मोहित भाई ने चक्कर पे रख करके बढ़िया पेच काट दिया। दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से पेच आता हुआ हमारे कैसर बाग का और ऊपर से सलीम भाई लड़ा रहे हैं और नीचे से हमारे सोडी भाई लड़ा रहे हैं, देखिए वो आ रहे हैं ये देखिए अपने क्रीज पे आते हुए। दोस्तों ये देखिए एक बार पेश आता हुआ सोडी भाई का, देखिए अंदर के मुठ्ठे पे लेकर के आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है सोडी भाई की और ऊपर से सलीम भाई पतंग लड़ा रहे हैं। सलीम भाई ने रखा, पेच सही हो चुका है। चक्कर पतंग है सलीम भाई की, थोड़ी सी बढ़ रखी है सलीम भाई ने पतंग को। अंदर के मुठ्ठे पे चलते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे हाथों से सोडी भाई पतंग को ऊपर करते हुए चमकाते हुए बढ़िया। देखिए कैसा बाग ने रखा अंदर के मुठ्ठे पे फिर ऊपर कर ली पतंग को। झोल को मेंटेन करते हुए सोडी भाई हमारे पाँच सौ प्लस रेंज है हमारे दोनों टीमों की। देखिए तेजी से उतरे कैसर बाग, तेजी उतरते गए और अंदर के मुठ्ठे पे निकलता हुआ बनाया। देखिए बार फिर पट करा लिया हमारे सोडी भाई ने। चक्करों पतंगे और डोर देते हुए जा रहे थे कैसर बाग ने। देखिए सोडी भाई ने तेजी से बाहर की तरफ खींचा, बढ़िया पेच काट दिया सोडी भाई ने। और दोस्तों कमेटी के मेंबर हमारे गोल्डी भाई और रवि भाई भी लड़ा रहे इस बार, कल खालिद लड़ा रहे थे और आज हमारे रवि भाई लड़ा रहे। और ये देखिए सैफ भाई, क्या हाल चाल सैफ भाई, कितने पेज आपके लड़े हैं? भाई तीन लड़े हैं, दो काटे थे पहले से। अच्छा उसके बाद कट गया आपके पेज खत्म हो गए? हाँ गुंडी भाई के दो बच्चे हैं, दो रवि भाई। तो ये देखिए इंटरनेशनल के हमारे रिजवान भाई और सैफ नहीं लड़ा रहे हैं, सैफ के बदले में देखिए हमारे रिजवान भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से पेज लड़ा रहे हैं और ऊपर से न्यू लाइन्स के चड्ढा भाई लड़ा रहे हैं जो कि वो खड़े हैं। ये देखिए तैयारी लेते हुए काफी ये देखिए रिजवान भाई, दोस्तों ये देखिए रिजवान भाई की राइट हैंड साइड वाली देखिए हमारे चड्ढा भाई की है और लेफ्ट हैंड साइड वाली रिजवान भाई की। अंदर के मुठ्ठे पे चलते हुए आए चड्ढा भाई ने रखा, ऊपर से पेस सही हो गया। अंदर के मुठ्ठे पे तेजी से चलते हुए रिजवान भाई इंटरनेशनल के, चड्ढा भाई ने रखा पटकर आया रिजवान भाई ने तेजी से, चक्कर पे रखा रिजवान भाई ने चमकाते हुए पतंग को बाहर की तरफ खींचा, तेजी से खींचते अंदर की तरफ दिखाया था चड्ढा भाई ने, बढ़िया पेश काट दिया रिजवान भाई ने।
दोस्तों इंटरनेशनल का 7-3 का स्कोर हो गया, इंटरनेशनल ने 7 काट दिए न्यू लॉयंस को। और अंकल आपका क्या नाम? दिलशाद भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से हमारे समीर भाई का पेश आता हुआ, और पीछे दिखा रहे हमारे कल्लू भाई चरखी, काफी बढ़िया पतंग लड़ाते हुए समीर भाई। देखिए नीचे से लड़ा रहे बच्चे, रहे मेरे। ये अंदर की तरफ चलते हुए आए। ये पेस सही हो चुका, दोस्तों देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है समीर भाई की, राइट हैंड साइड वाली देखिए हमारे राजा जी पुरम की है। देखिए चमकाते हुए बढ़िया पतंग समीर भाई की तरफ मुंडे पे निकालते हुए। तेजी से चढ़ाया समीर ने, अंदर की जगह लेते हुए फिर से एक बार चक्कर पूरा कर गया। राजे पुरम ने उतारा चक्कर पे लेकर के अंदर के मुड्ढे पे लेकर के बाहर चमकाते हुए पतंग नीचे से समीर भाई, काफी बाहर के मुड्ढे पे निकाला समीर ने, पटकर आया चक्कर पे लेकर के चमकाते हुए पतंग बाहर के मुड्ढे पे निकालते हुए एक बार फिर से सीधी किया पतंग। राजे पुरम काफी चढ़ा करके पतंग ले आए हाथ की तरफ। और पेच को कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, एक बार फिर से पेच आता हुआ मैं समीर भाई का, और पेच कैंसिल हुआ था। ऊपर से फैजी भाई लड़ा रहे जो कि वो खड़े हैं। दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से हमारे समीर भाई की पतंग आती हुई नजरबाग की लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है। और फैजी भाई की देखिए राइट हैंड साइड वाली पतंग, और पेस सही हो चुका है। फैजी भाई ने देखिए रखा, हटा लिया ऊपर पतंग कर ली फैजी भाई ने। 7-4 का स्कोर है, 7 काट दिए हैं हमारे नजरबाग ने। पेच सही है देखिए रखा फैजी भाई ने, चक्कर पे लेकर के फिर पतंग को उठा ली अंदर के मुड्ढे पे। हमारे समीर भाई चलते हुए आ रहे देखिए चमकाते पतंग सीधी की बाहर के मुड्ढे पे। फैजी ने रखा अंदर के मुड्ढे पे चक्कर पे लेकर के तेजी से बनाया देखिए बनाते गए चमकाया बनाया बढ़िया पतंग काट दिया समीर ने अंदर के मुड्ढे पे, बाहर का दिखा करके चमकाते हुए अंदर के मुड्ढे पे दिखाया वैसे ही पतंग काट दी समीर ने। काफ़ी बढ़िया पेश काट दिया, और हमारे कल्लू भाई चिल्लाते रह गए पीछे अंदर के मुड्ढे पे बढ़िया पेश काटा समीर भाई ने। और दोस्तों ये हमारे शावेज भाई नज़रबाग के, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया पतंग लड़ाई है, और एक पतंग से इन्होंने 5 पेश काटे ना, और अभी इनका खाली एक पेश बचा हुआ है। काफ़ी दमदार लड़ाते हुए नज़रबाग के। चलिए सर दोस्तों ये देखिए एक बार फिर से हमारे कमेटी का पेच आता हुआ, ऊपर से रवि भाई लड़ा रहे हैं देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है रवि भाई की। चक्कर बाकर तेज़ी से उतरे गद्दा बनाया रवि ने, तेज़ी से उतरते गए और बढ़िया पतंग काट दिया, बढ़िया पेच काट दिया स्टार विंग ने। दोस्तों एक बार फिर से हमारे इंटरनेशनल का पेच आता हुआ, बढ़िया पेच काटा था इससे पहले हमारे भाई ने। ये देखिए इंटरनेशनल की हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है, पेच सही हो चुका है न्यू लाइन्स की राइट हैंड साइड वाली पतंग। अंदर के मुड्ढे पे चलते हुए आ रहे देखिए बनाए न्यू लाइन्स ने चक्कर पे लेकर के अंदर के मुड्ढे पे फिर से लेकर के आए न्यू लाइन्स, बाहर के निकाला तेजी से इंटरनेशनल ने चक्कर पे रखा पतंग को, चक्कर अंदर तेजी से खींचा बढ़िया पेच काट दिया, काफी शानदार पेच काटा दोस्तों।
काफी शानदार पेश भाई ने कर दिया। भाई कुछ बताइए क्या पेश में आपने किया था? भाई उन्हीं ने गद्दा मारा, मैंने बाहर जगह के अंदर खींच दिया उसको। ये पेश होता है दोस्तों, काफी बढ़िया ने काटा। दोस्तों एक बार फिर से नजरबाग का पेश आता हुआ और हमारे समीर भाई लड़ाते हुए और पीछे हमारे कल्लू भाई खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, काफी तगड़ा सपोर्ट करते हुए, डरना नहीं बिल्कुल भी। और दोस्तों ऊपर से राजा जी फोरम और लकी भाई लड़ा रहे हैं। और दोस्तों समीर भाई अगर एक पेश काट देते हैं तो मैच जीत जाएंगे, 8-4 का स्कोर है। चलिए चलते हैं पेश पे। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली समीर की पतंग, ऊपर से विक्की भाई लड़ाते हुए। ये देखिए पेश सही हो चुका, लकी भाई ने रखा, पट कराया समीर ने, बाहर के मुड्ढे पे तेजी से खींचा, समीर ने चक्को पे रखा, बाहर के मुड्ढे पे तेजी, लकी ने तेजी से उतारा, तेजी से बाहर की तरफ खींचते गए और काफी शानदार पतंग काट दी समीर भाई ने और ये मैच को निकाल लिया समीर ने। दोस्तों क्वार्टर फाइनल में इन्होंने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों ऊपर से गोल्डी भाई लड़ा रहे हैं और कमेटी के, और ये भाई लड़ा रहे हैं नीचे से स्टार विंग के। दोस्तों ये देखिए नीचे से पतंग आती हुई स्टार विंग की, और लेफ्ट हैंड साइड वाली देखिए गोल्डी भाई ने रखा, ये देखिए अंदर के मुठे पे लेकर के आए गोल्डी भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग। पेस सही हो चुका, चक्रों पर लेकर के गोल्डी भाई बाहर के मुड्ढे पर निकलते हुए बनाया, देखिए चमकाते हुए पतंग को बढ़िया झटके मारते हुए, देखिए रखा तेजी से, रखा चक्रों पर रखा, डबल करने की कोशिश की, देखिए डबल कर लिया पतंग, बढ़िया पेश काट दिया गोल्डी ने, काफ़ी शानदार पतंग काटी है चक्करों पर रख करके। और दोस्तों स्कोर है 7-6 का, 7 कट गया है हमारे स्टार विंग। दोस्तों एक बार देखिए फिर से इंटरनेशनल का पेश आता हुआ और नीचे से लड़ा रहे हैं, और न्यू लाइन्स ऊपर से लड़ा रहे हैं, और जो कि देखिए वो खड़े हुए हैं रेड पहने हुए। दोस्तों देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली है हमारे इंटरनेशनल कैट क्लब की, और पेस सही हो चुका है, न्यू लाइन्स ने रखा है ऊपर से राइट हैंड साइड वाली पतंग, लेकिन लेंस ने निकलता हुआ बनाया तेजी से बाहर की तरफ खींचा, देखिए उन्होंने इंटरनेशनल ने बाहर की तरफ इंटरनेशनल खींचा, रुक के चक्कर ऊपर रख करके क्या चमकाया पतंग को, डबल कराने की कोशिश, देखिए झटके मारे इंटरनेशनल ने पतंग को चुस्के देते हुए, देखिए और पेस सही है, देखिए बढ़िया चुस्की देते हुए दोनों लोग, और काफ़ी शानदार पेश काट दिया न्यू लाइन्स ने इंटरनेशनल को। और दोस्तों एक बार फिर से पेश आता हुआ आलमबाग का, कैसरबाग से सोडी भाई पतंग लड़ा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे सोडी भाई की लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है, और ये पेश सही नहीं हुआ है, जब ऊपर वाला एक मुड्ढा रखेगा तभी पेश सही हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए रखा, पेश सही हो गया, सोडी भाई ने तेजी से ऊपर करी, अंदर के मुड्ढे पे लेकर के आए, कैसरबाग ने बाहर निकलता हुआ बनाया पतंग को, पतंग को चमकाते हुए बाहर की तरफ निकाला, अंदर की तरफ दिखाया, फिर तेजी से पट किया, तेजी से पट करते गए, काफी तेजी से पट किया सोडी भाई ने, बढ़िया शानदार पेश काट दिया आलमबाग ने। और दोस्तों एक बार देखिए फिर से न्यूलैंड का पेश आता हुआ इंटरनेशनल से, और ये नीचे से पेश लड़ा रहे हैं हमारे भाई, नीचे वाला दो गुड्डा ऊपर वाला एक गुड्डा, 8 काट दिए हैं इंटरनेशनल ने न्यू लाइन्स को। और दोस्तों देखिए ऊपर से मोहित भाई लड़ा रहे इंटरनेशनल के, पेस सही हो गया, तेजी से उतरे अंदर के हाथ पे मोहित भाई, काफी तेजी से नीचे उतरते गए बनाते हुए मुड्ढे में, बाहर निकलता हुआ तेजी से, देखिए काफी जमीन हल्कल के हाथों से उठाया, झोल फेंका न्यू लाइन्स ने, देखिए पट कराया तेजी से मोहित भाई ने, बाहर का निकलता हुआ बनाया मोहित भाई ने, काफी जमीन पे पतंग रख दी है मोहित भाई ने, हल्के हल्के हाथों से ऊपर झटके मारते हुए उठाया, अंदर के मुड्ढे पे फिर से लेकर के आए मोहित भाई, बढ़िया पेश लड़ा रहे हैं, एक पतंग काटनी है इंटरनेशनल को। ये देखिए रखा मोहित भाई ने, निकलने नहीं दे रहे हैं बाहर की तरफ,
काफ़ी ज़मीन, ये देखिए मोहित भाई ने ये देखिए बढ़िया चक्कर पे रख लिया मोहित भाई ने, डबल करने की कोशिश, डबल है या नहीं देखिए, दोनों डोर निकालते हुए काफ़ी बढ़िया से, ये देखिए मोहित भाई पेस सही है, लेकिन ये देखिए मोहित भाई ने डबल कर लिया एक बार फिर से, काफ़ी शानदार पतंग काटी है मोहित भाई ने, एक बार फिर से इंटरनेशनल ने राउंड निकाल लिया। दोस्तों ये हमारे सैफ भाई इंटरनेशनल के, और इन्होंने तीसरा राउंड क्लियर कर लिया, अब ये क्वार्टर फाइनल लड़ाएंगे जी। चलिए क्या स्कोर था आपका? 9-3 का स्कोर था, बढ़िया लड़ाया हमारे मोहित भाई ने, डबल किया, काफ़ी शानदार डबल करी। चलिए ये देखिए हमारे मोहित भाई काफ़ी शानदार पतंग लड़ाई जी। देखिए हमें लग रहा कुछ ना कुछ असर है आपकी बातों का, है तो ज़रूर इस वीडियो जो देख रहे होंगे जो आपके मेंबर, तो जाहिर सी बात है तो असर तो होता ही होगा। याला पेच बहुत अच्छा लड़ाया आपने, लीजेंड आदमी है पतंग बाजी जी जी जी, काफ़ी शानदार पतंग लड़ाई है, डबल जो करी आपने, नीचे से ले लिया भाई तो, लेकिन पहले आपने जो दिखाया डबल का वो समझे डबल ही है, ऐसा ना हो कि जो है डोर आ जाए और रिस्क का पेच था उनका जी जी। चलिए काफ़ी शानदार पतंग लड़ाते हुए इंटरनेशनल, और दोस्तों एक बार फिर से पेच आता हुआ हमारे गोल्डी भाई का, और दोस्तों हमारे गोल्डी भाई का जो नाम है वो है मोहम्मद शहाब, क्या बहुत बढ़िया नाम है माशाल्लाह। चलिए लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इंशाल्लाह सब जान जाएंगे, क्यों शहाब भाई। चलिए चलिए दोस्तों हम पेच दिखाते हैं गोल्डी भाई का। दोस्तों ये देखिए गोल्डी भाई की लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है, और राइट हैंड साइड वाली हमारे देखिए पेस सही हो चुका, गोल्डी भाई ने बाहर के निकाला तेज़ी से, निकालते गए निकालते चक्करों पे रखा, अंदर दिखाया देखिए चक्करों पे रखा डोर देते हुए, ये देखिए चक्करों पे रख करके डोर निकाली, काफ़ी बढ़िया चुस्की देते हुए दोनों लोग, काफ़ी बढ़िया डबल कराई है। और पेच कैंसिल हो गया, दोस्तों ये देखिए पेच सही है, राइट हैंड साइड वाली देखिए पतंग बनाया गद्दा निकलता हुआ, देखिए अंदर के मुठ्ठे पे गोल्डी भाई ने तेजी से खींचा लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग, पेच सही है और बढ़िया पेच काट दिया गोल्डी को, और स्टार विंग और कमेटी का 7-7 का स्कोर हो गया। दोस्तों एक बार देखिए फिर से हमारे सोढ़ी भाई का पेश आता हुआ आलमबाग का, और 8 पेश काट दिए हैं। और देखिए ये हमारी सोढ़ी भाई की लेफ्ट हैंड साइड वाली पतंग है, कैसर बाग ऊपर से लड़ा रहा है, ये पेश सही हो चुका, देखिए तेजी से खींचा सोढ़ी भाई ने ऊपर की तरफ, तेजी से खींचते गए रोका चक्कर पर, कब बढ़िया पेच काट दिया आलमबाग ने, क्या बात है सोढ़ी भाई। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये गेम पार कर लिया, कौन सा राउंड था आपका? ये क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल की तैयारी होगी। देखिए मुस्कुराते हुए हमें सोढ़ी भाई बढ़िया लड़ाते हुए, काफ़ी शानदार पतंग लड़ाई सोढ़ी भाई ने, अजमी भाई ने और समीर ने। और ये देखिए एक दूसरों को मुबारकबाद देते हुए हमारे कल्लू भाई और अजमी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू। क्या देखिए मुस्कुराहट जो है, हंसी रोक नहीं पा रहे हमारे अजमी भाई, भाई बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है जी जी जी, बिल्कुल बहुत मेहनत करी है, और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे समीर भाई को, और जो कि देखिए ये आ रहे हैं समीर भाई हमारे, सबसे ज्यादा इन्हीं को क्रेडिट जाता है। हाँ समीर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, और बताइए आपके कितने पेज बचे थे? हमारे दो अभी थे, दो थे अभी। चलिए स्कोर क्या था? 9-6 का। चलिए बढ़िया लड़ाया सभी ने। दोस्तों ये रवि भाई लड़ाएंगे पेच नीचे से, दोस्तों एक बार फिर से पेच आता हुआ देखिए कमेटी का और स्टार विंग का, ऊपर से अफजाल भाई लड़ा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए रवि भाई की पतंग है लेफ्ट हैंड साइड वाली,
और दोस्तों देखिए पेस सही हो चुका है। अभी भाई ने बाहर का निकलता हुआ बनाया, तेज़ी से बनाते गए बनाते गए, तेज़ी से बाहर की तरफ खींचा है रवि भाई ने, और बढ़िया पेच काट दिया स्टारविंग ने अमेठी को। स्कोर हो गया है 8-7 का। मैदान में हमारे मोहित भाई अड्डी लाते हुए, क्या रुपए की अड्डी है मोहित भाई? 13 रुपए की अड्डी है। किस कारीगर की है? रईस की है। देखिए सब चेक करते हुए बताया आलम भाई कैसी अड्डी है। अड्डी तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये देखे किसके लिए लाए गिफ्ट है मोहित भाई? गिफ्ट है क्या? मंगाई थी। अच्छा हमने कहा जीतने की खुशी में आप गिफ्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जीत लेंगे, उसमें क्या है। चलिए हाँ रवि भाई कैसी लगी पतंग आपको? पतंग बढ़िया है। बढ़िया पतंग है। चलिए अड्डा पौना दोनों अच्छा रहता है। अच्छा कहाँ के हैं गुड्डू राइस? मुरादाबाद के। मुरादाबाद के दोस्तों पतंग बहुत अच्छी होती है। चलिए और गर्मी का सीजन आ रहा है और अड्डियाँ लड़ रही हैं। कै बजे सालम भैया लखनऊ में अड्डी लड़ रही है आजकल? 5 बजे मैदान में होते हैं, 6 बजे से लड़ना शुरू हो जाता है। 6 बजे से लड़ना चालू हो जाती हैं। और कहाँ से लड़ा है इस समय? शौक हो रहा है गोमती नगर 2 नंबर ग्राउंड है फन के पास में। अच्छा अच्छा वहीं से लड़ाते हैं। चलिए आइए आप भी आइए वहाँ आएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों एक बार देखिए फिर से कमेटी का पेच आता हुआ, 8-7 का स्कोर है। 8 कट गए हैं कमेटी और गोल्डी भाई ये पतंग लड़ाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या हो पाता है। और हमारे गोल्डी भाई पेच लड़ाते हुए काफ़ी दमदार पतंग लड़ाते हैं। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली गोल्डी भाई की पतंग 8-7 का स्कोर, तेजी से खींचा पट बनाया तेजी से और ये पेच कट गए गोल्डी। और दोस्तों ये देखिए ऊपर से पेच लड़ा रहे थे अफजाल भाई और काफी शानदार पतंग काटी है। देखिए और चलिए आपने सेकंड राउंड निकाल लिया। चलिए कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। और कौन कौन मेंबर लड़ा रहे आपने? हम लड़ा रहे, यहाँ से लड़ा रहा था कल इनका लड़ने का सन। आमिर भाई चलिए काफी खुश थे वहाँ से जब निकले। आमिर भाई यस गलतियां होती हैं, सुधार लिया उन्होंने गलतियों को। जी जी बिल्कुल, टीम को काटा इन्होंने। जी जी बहुत अच्छी टीम को, कमेटी को काटा। और दोस्तों ये हमारी स्टार विंग के मेंबर हैं। ये देखिए नाम बताइए एक एक भाई। आमिर। आमिर भाई हमारे। यासिर। यासिर भाई काफी शानदार पतंग लड़ाई यासिर भाई ने नीचे से। और हमारे ये वर्मा भाई। वर्मा भाई सचिव। सचिव है ये अफजाल भाई, भाई हमारे स्टार विंग्स के कैप्टन। जी 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 ये तौसीफ भाई, तौसीफ भाई चलिए वाइस कैप्टन। और भाई ठीक है 11 बज जाएगा कुछ बोल तो रहे नहीं थे आप वाइस कैप्टन थे। आ जाएंगे तौसीफ भाई, कुछ बोल तो नहीं रहे थे आप वाइस कैप्टन थे। ये थोड़े शर्मीले, थोड़ा कम बोलते हैं, ये पेच से बोलते हैं। अच्छा पेच बोलते हैं, अभी लड़ाई नहीं यहाँ पे। अच्छा हो सकता है राउंड में लड़ाएंगे। चलिए आपको मैदान कैसा? आपका पहला मैदान ही लड़ रहा है जो? नहीं भाई दूसरा मैदान है। नहीं मतलब टूर्नामेंट के अलावा? टूर्नामेंट के अलावा बहुत मैदान लड़ा है, मैदान लड़ा है इन लोगों ने। पहले मैं लड़ा था प्रिंस क्लब में, 10 साल लड़ाया, 12 साल। अच्छा अब इसमें लड़ा रहे 2 साल देखा, अच्छा है, काफी अच्छा मैदान है। जी मैदान एक नंबर का, बस दूर होने का थोड़ा आदमी नहीं आ पाता है, लेकिन मैदान बहुत अच्छा है। जी जी हम लोग की लड़ती रहती सीजन में। जी 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 चलिए चलिए अल्लाह हाफिज़, सबको सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सबको सलाम वालेकुम, नमस्ते।